दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में एक बात तो पक्की है, अगर किसी टीम को जीतना है तो ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो बैटिंग भी कर लें, बॉलिंग भी कर लें और फील्डिंग में तो मचा दे यार। अरे अरे रुको भाई, तुम्हें लगता है मैं आम ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ? ना 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 ना, मैं बात कर रहा हूँ असली धमाकेदार ऑलराउंडर्स की। एक तरफ है अपने इंडिया के सर रविंद्र जडेजा और दूसरी तरफ है शाकिबुल हसन, जिनसे सिर्फ बैट्समैन ही नहीं बल्कि अंपायर्स भी माफ कर दो माई बाप गलती हो गई बहुत डरते हैं। दोनों के कंपैरिजन तो बहुत होते हैं, लोग ओपिनियन बहुत देते हैं, लेकिन वाकई में इन दोनों में बेस्ट कौन है, इसी की बात करेंगे हम आज की वीडियो में, जहां पर होंगे इन दोनों प्लेयर्स के बीच 10 राउंड। ये क्रिकेट के मैदान में नहीं होगा, ना ही ये किसी बॉक्सिंग रिंग में होगा, ये होगा आज हमारे शो में जिसका नाम है फ्राइडे फाइट। तो इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी है T20I का बेस्ट ऑलराउंडर, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं राउंड 1। सबसे पहले बात करते हैं करियर बैटिंग एवरेज की। अगर हम शाकिब अल हसन की बात करें तो उनका बैटिंग एवरेज है 23.19 का। वही अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनका बैटिंग एवरेज है 21.45 का, यानी कि बहुत ही क्लोज फाइट है, लेकिन इस राउंड को शाकिब अल हसन जीत जाते हैं 10-9 के साथ। राउंड 2 में हम बात करेंगे बैटिंग स्ट्राइक रेट की, यानी कि कौन सा खिलाड़ी बेहतरीन स्ट्राइक रेट मेंटेन करने में कामयाब हुआ है अब तक। अगर हम शाकिब की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट है 121.18 का। वही अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट है 127.16 का, यानी कि क्लोज फाइट तो यहाँ पर भी है, लेकिन राउंड 2 के विनर है रविंद्र जडेजा। राउंड 3 में हम बात करेंगे दोनों में से किसका बॉलिंग इकोनॉमी बेटर है। शाकिब अल हसन की हम बात करें तो उनका बॉलिंग इकोनॉमी है 6.81 का। वही अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनका यही औसत हो जाता है 7.13 का, यानी कि बॉलिंग इकोनॉमी के मामले में भी शाकिब अल हसन ने रविंद्र जडेजा को पीछे छोड़ दिया है और इस क्लोज फाइट में वो जीतते हैं 10-9 के साथ और राउंड 3 भी होता है शाकिब अल हसन के नाम। तो अभी तक तो बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन क्या राउंड 4 में रविंद्र जडेजा शाकिब अल हसन को टक्कर दे पाएंगे, आइए देखते हैं। राउंड 4 में हम बात करेंगे कि सेकेंड इनिंग में किसका बैटिंग एवरेज बेटर है, यानी कि जब दूसरी बार बैटिंग करती है टीम तो उस दौरान किसका औसत बेटर है इन दोनों खिलाड़ियों में। शाकिब अल हसन की हम बात करें तो सेकेंड इनिंग के दौरान उनका बैटिंग एवरेज होता है 21.43 का, जबकि यही रिकॉर्ड जडेजा का उनसे थोड़ा बेटर है जो है 22.37। तो इस मुकाबले में भी बहुत कांटे की टक्कर को देखने को मिली, लेकिन राउंड 4 होता है रविंद्र जडेजा के नाम। भाई अभी तक तो बड़ी कड़ी टक्कर चल रही है, लेकिन राउंड 5 में क्या होने वाला है आप खुद ही देख लो। राउंड 5 में हम बात करेंगे करियर बॉलिंग एवरेज की। अगर हम शाकिब अल हसन की बात करें तो उनका एवरेज है 20.91 का। वही अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनका औसत है 29.85 का। तो राउंड 5 में तो भाई अच्छे खासे मार्जिन से शाकिब अल हसन ने जडेजा को मात दे दी और राउंड 5 हुआ शाकिब अल हसन के नाम। कैचेस कौन ज्यादा लपकता है, यानी कि पकड़ता है, शाकिब अल हसन तो अच्छे फील्डर है चट्टू के, लेकिन हमारे भाई किसी से कम नहीं है, उसलिए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। शाकिब की अगर हम बात करें तो उनका एवरेज निकल कर आता है 0.244, जबकि अगर हम जडेजा की बात करें तो यही आंकड़ा हो जाता है 0.378 का। तो कांटे की टक्कर तो थी, लेकिन भाई अपने जडेजा ने शाकिब को मात दे दी और राउंड 6 होता है जड्डू के नाम। वही राउंड 6 खत्म होने के साथ ही दोनों प्लेयर पहुंच चुके हैं 3-3 अंक के साथ बराबरी पर। तो आने वाले 4 राउंड में कौन मारेगा बाजी, देखते रहिए ये वीडियो। हम बात करते हैं कि दोनों ऑलराउंडर्स में सेना कंट्री में किसका बॉलिंग एवरेज बेटर है। सेना यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो वही सेना कंट्री में शाकिब का बॉलिंग एवरेज हो जाता है 28.2 का, जबकि रविंद्र जडेजा का यही आंकड़ा हो जाता है 25.2 का। पर ये राउंड होता है रविंद्र जडेजा के नाम। भाई राउंड 8 में बात करेंगे कि सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है, जडेजा, शाकिब अल हसन, मे बी। अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे, सीधे स्टैट्स पे नजर डालते हैं। भाई प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो शाकिब अल हसन 12 बार इस खिताब को जीत चुके हैं, जबकि रविंद्र जडेजा के नाम ये खिताब सिर्फ 2 बार ही है।
तो वही राउंड 8 के भी विजेता बनते हैं हमारे शाकिबुल हसन। और यार कोई इतनी बुरी तरीके से भी हराता है भाई, अगर स्टैट्स को देखोगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी आपका कोई दोस्त होना और बोले कि यार ये प्लेयर बेटर है, लेकिन अगर आपने फ्राइडे फाइट देखा होगा तो आप सीना ठोक के बोलोगे अरे मेरे भाई रुक जा, मैं बताता हूँ आंकड़ों के हिसाब से जहां पर आपको कोई भी गलत नहीं ठहरा पाएगा। यार अब राउंड 9 में बात करते हैं एक बड़े टूर्नामेंट की, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप में। देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों का बैटिंग एवरेज क्या रहता है। तो भाई T20 वर्ल्ड कप में शाकिब का बैटिंग एवरेज है 23.05 का, जबकि रविंद्र जडेजा की बात करें तो उनका बैटिंग एवरेज है 14.44 का। मतलब ये क्लोज तो था लेकिन क्लियर कट विनर यहां भी शाकिबुल हसन ही मेरे भाई। दोस्तों राउंड 9 के बाद आपको ये तो मालूम चल गया होगा कि शाकिब ने जो लीड गेन की है उसको बीट करना तो बहुत ही मुश्किल है जडेजा के लिए, लेकिन राउंड 10 में मैं एक आपको ऐसा आंकड़ा बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप भी कहेंगे क्या ये सच है। तो हमने पहले बात की थी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड की, लेकिन राउंड 10 में हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो किसने कितनी बार जीता है। शाकिबुल हसन की हम बात करें तो उन्होंने 5 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अब तक जीता है T20I फॉर्मेट में, लेकिन हम बात करें रविंद्र जडेजा की तो भाई टक्कर आ जाएंगे आपको, क्योंकि बात ही ऐसी है जीरो मेरे भाई जीरो। एक बार भी रविंद्र जडेजा ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड नहीं जीता है T20I फॉर्मेट में। तो वे हमारे इस फ्राइडे फाइट के एपिसोड में क्लियर कट विनर बनकर उभरे हैं शाकिबुल हसन। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको भी मालूम चल गया होगा कि शाकिबुल हसन और रविंद्र जडेजा में जब भी T20I की बात होगी तो बेस्ट ऑलराउंडर कौन है। लेकिन इस प्रकार के आपको और भी अगर वीडियो देखने तो भाई फ्राइडे फाइट को मिस मत करना, क्योंकि हम इसी प्रकार के दोनों प्लेयर्स की जोड़ी को लेकर आते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। तब तक मुझे दे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।